हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी एप्लीकेशन पर चलेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो फीस जमा कराने के लिए तुम मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 9690224488, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है उसका लिंक, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें 17 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 17 थोड़ा अलग सा है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है इसमें। इसका एक तरीका और बताऊँगा मैं थोड़ा आसान करने का 17 को। तो 17 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और यदि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करनी, ठीक है, क्योंकि मैंने 5 चैप्टर तो करा दिए थे यूट्यूब पे, मैंने 5 चैप्टर करा दिए, तो उसमें हम 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी हो वो अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 17, ये हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना, ठीक है। एक बार पढ़ देता हूँ क्या दिया ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन 17 दिया, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड। किससे सोल्व करना हमें इसको, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना। तो करते हैं चलिए। तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए भाई सबसे पहले हम कोशिश करते हैं 1 बन जाए। तो 1 तो अभी इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम इन इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस इन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें 1 बनाना शुरू में, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वैसे तो सीधा भी करेंगे जब भी हो जाएगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। चलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। मैं पहले थर्ड इक्वेशन को लिखूँगा, y प्लस 2x प्लस 6z इक्वल टू कितना, 46। फिर ये लिख लीजिए, कोई सी भी इक्वेशन लिख लीजिए। चलिए मैंने ये लिख ली, माइनस के 6y प्लस 5x प्लस 4z इक्वल टू 15। फिर देखना यहाँ क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली लिखिए, 4y प्लस 7x माइनस 3z इक्वल टू 19। तो यहाँ कितना बन जाएगा, शुरू में कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो उससे जब रैंक निकाल लेंगे थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं सीधा, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो लिख देंगे दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और ऊपर को लिख दूँ, मैं नीचे ही बना दूँगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी, एक्स इक्वल टू बी। ये बताना क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 6 4 2 5 7 6 4 माइनस 3, ठीक है। और x देखना, जो कैपिटल x है वही कहाँ से शुरू हो रहा है, y से। तो जिस क्रम से आ रहा है तो x को उसी क्रम में लिखेंगे, पहले y फिर x फिर z। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, y x z इक्वल टू b, देखना b कितना, 46 15 और कितना, 19। इसके बाद निकाल लीजिए दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए क्या आएगा, ए बी से डिनोट करते हैं ना, किसे डिनोट करते हैं इसको, ए बी से। देखना ज़रा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 और कितना, 4 2 5 7 6 4 माइनस 3, ये वैल्यू लिख दीजिए, कितना, 46 और कितना, 15 यहाँ कितना, 19। तो क्या आ गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। चलिए
क्या निकालिए, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी बाई किससे निकाल दीजिए, इचलन फॉर्म से निकाल दीजिए, इचलन फॉर्म। चलिए किस में ऑपरेशन लगाएंगे हम, आर टू में, जरा देख लीजिए आर टू में, सिक्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, प्लस सिक्स आर वन कर लीजिए, ठीक है। आर थ्री में ऑपरेशन लगा लीजिए, फोर से मल्टी, आर थ्री माइनस कितना, फोर आर वन ऑपरेशन लगा दीजिए। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखना ज़रा क्या आ जाएगा, ठीक है। आर वन को तो ऐसे लिखना, आर वन में तो नहीं लगना ऑपरेशन, वन टू सिक्स और लास्ट में कितना, 46। तो किस में ऑपरेशन लगाना हमें, आर टू में ऑपरेशन लगाना, तो आर टू में ऑपरेशन देख लीजिए, सिक्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फाइव प्लस ट्वेल्व कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आगे देखिए, आर टू में ऑपरेशन लगाना ही, फोर प्लस कितना, 36 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। चलिए लास्ट में ज़रा देखना, 15 प्लस मल्टीप्लाई करना, 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 और 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना जोड़ना, 15 1 और कितना, 9, ठीक है, 291 आ जाएगा। और लास्ट में ऑपरेशन लगा दीजिए, आर थ्री में ऑपरेशन लगा दीजिए, आर थ्री में ऑपरेशन ज़रा देखना, आर थ्री यहाँ कितना, 4 और माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, 8। तो 7 माइनस 8 कितना जाएगा, माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखना, माइनस 3 तो है ये, ठीक है, वो कितना, माइनस 3 और किससे मल्टीप्लाई करनी, 4 से, तो माइनस 24 हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आगे देखिए भाई, 19 है ना, माइनस किससे मल्टीप्लाई करनी, 4 से, तो कितना, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 कितना, 18, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो कितना था ये, एक बार दोबारा देख लीजिए, 19 और किससे गुणा कर दी हमने, 4 से, ठीक है, तो ये आ गया। चलिए इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, भाई कितना घटाना हमें, 19 सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा कितना, 5, 6 और कितना, 1 माइनस के, 165, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पे 1 बना लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। तो किस में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमें, R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज करना, R2 को इंटरचेंज किससे करेंगे, R3 से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करेंगे इसके बाद, इधर करूँगा मिटा के। तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है, इंटरचेंज कर लीजिए R2 को किससे, R3 से, तो देखना कितना आ जाएगा ये, ठीक है, उसको तो ऐसे रहने दीजिए, 1 2 6 और लास्ट में कितना आई, 46। इंटरचेंज करना, 0 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएगा, माइनस के 165 ऊपर ही चल, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये। R2 को इंटरचेंज कर रही है किससे, R3 से, इसे नीचे ले आइए, 0 17 40 और कितना, 291। तो अब ही इचलन फॉर्म में नहीं आया, तो किस में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 में, R3 किससे गुणा करनी पड़ेगी, R3 प्लस करना पड़ेगा 17 R2,
तो जीरो बन जाएगा, चलन फॉर्म में आ जाएगा ये। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, 1, 2, 6, 46, 0, -1, -27, -1, 65 घटाएंगे तो यहाँ 0, ठीक है, 17 से गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ देखना एक बार कितना है, 40 तो है ये, 40 किससे गुना करनी, 17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस है नहीं भाई, प्लस करना तो माइनस ही तो आएगा ये, हाँ माइनस आएगा ये, ठीक है। और 17 की 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आ जाएगी करके देख लीजिए, यानी कि किसकी, 27 की और 17 की जो मल्टीप्लाई आ जाएगी ये आ जाएगी 49 और कितना 27, 9 जोड़ देंगे इनको यहाँ 15 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इसमें से कितना घटाना हमें, 40 घटाना, तो 40 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाई कितना घटाना हमें, 3, तो मैं शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर को लिख दूँ 3, 59 में से कितना घटाना, 40 घटाना 9, 1, 3 माइनस के 319, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए, आगे ऑपरेशन लगा दीजिए एक और, कितना आई, 291, ठीक है। तो 291, चलो थोड़ा मैं और यहाँ को लिख दूँ, कितना भाई, 291 किससे मल्टीप्लाई करनी, 17 से, तो ये करके देख लीजिए और क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस ही तो रहेगा ना, माइनस। तो एक बार ज़रा देखना किससे किस किस की मल्टीप्लाई करनी, 165 और 17 की मल्टीप्लाई करनी, तो ज़रा देखना 35, 3, 742 और 3, 45, 4, 7 और 4, 1155 आ जाएगा ये, और कितना 561, ठीक है, यहाँ 082, तो ये मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। और कितना घटाना हमें इसमें से, 291 घटाना, 291 घटाना, तो माइनस के बच जाएंगे ये, कितने बच जाएंगे भाई, यहाँ 4 बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गए 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है, तुम करके देख लेना कितनी बची है, 2514 बची, माइनस की कितनी बची है, 2514, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये तो कर सकते हो कैलकुलेशन तो तुम लोग। चलिए किस में आ गया अभी, ये इचलन फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। तो लिख देंगे क्या, विच इज़ इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, तो किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है। तो रैंक निकालना ज़रा, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 आएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू ये ए है हमारा 3 आएगी, नंबर ऑफ अननोन भी कितने, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं 3, देन द इक्वेशन, देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो कैसा सॉल्यूशन रखती हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, तो इसको ध्यान से देखिए ज़रा, यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर,
देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन रखती हैं? यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। नाउ एक्स इक्वल टू बी से निकालते हैं तो देखो 1 0 0 और कितना 2 -1 0 6 माइनस के 27 माइनस ठीक है 319 और एक्स बताना एक्स एक्स वाई जेड नहीं आएगा ठीक है एक्स वाई जेड थोड़ी आएगा हमने क्या लिया था पहले वाई फिर एक्स फिर जेड तो क्या आएगा वाई एक्स जेड आएगा ये बात पे ध्यान रखना ठीक है। चलिए आगे देखिए कहाँ था ये रहा कितना 46 माइनस के 165 माइनस के 2514 ठीक है तो मल्टीप्लाई करना वाई प्लस 2x प्लस 6z इक्वल टू 46 आगे देखना ज़रा माइनस के x हो जाएगा माइनस के 27z हो जाएगा माइनस 165 आगे देखिए माइनस के 319z इक्वल टू माइनस के 2514 तो ये हमारी तीन इक्वेशन आ जाएंगी ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और से क्या मान लीजिए थर्ड मान लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से कितना आ जाएगा जेड इक्वल टू माइनस के 2514 बटे माइनस के 319 तो ये इससे कट जाएगा क्या ये इससे नहीं कटेगा एक 319 नहीं होगा ये इसको सही कर लेना ठीक है ये 419 आएगा कैलकुलेशन सही कर लेना ये कितना आएगा ये 419 और यहाँ भी कितना आएगा ठीक है देख लेना एक बार करके कैलकुलेशन 419 तो ये भी कितना जाएगा 419 काट दीजिए अब कट जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार कट जाएगा ठीक है तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया जेड की वैल्यू कहाँ रख दीजिए सेकंड में रख दीजिए तो चलिए जेड की वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए तो ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो लग रहा तो आसानी था ये चलिए जेड की वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जेड पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन सेकंड रखना सेकंड में तो ये आ जाएगा कितना माइनस के एक्स माइनस के 27 इंटू जेड की जगह कितना रखना हमें 6 माइनस के 165 माइनस एक्स माइनस ठीक है सचिंग वैलिस 2 4 6 12 और 2 16 इक्वल टू माइनस के 165 ठीक है उधर चले जाएंगे 165 प्लस 162 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के कितने बच जाएंगे 3 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एक वैल्यू रह गई किसकी वैल्यू रह गई जेड की वैल्यू रह गई नहीं वाई की वैल्यू रह गई तो कौन सी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता दीजिए वाई एक्स का मान रख दीजिए तो 3 रख दीजिए 6 हो जाएगा प्लस 36 आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा जोड़ना इनको वाई प्लस 42 46 वाई इक्वल टू इधर जाके घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा तो हेंस एक्स इक्वल टू ज़रा कितना आया ये 3 वाई इक्वल टू कितना आया 4 और जेड इक्वल टू कितना आया 6 ये वैल्यूज़ इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है ठीक है
तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज के हो जाएंगे सभी ये क्वेश्चन, ये कर लेना इनको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर, ठीक है, 16 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 16, ठीक है, कई बार आया ये, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्ज़ाम में भी कई बार आया ये। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ क्या दिया ये। इन्वेस्टिगेट फोर वाट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये इक्वेशन दे रखी हैव नो सोल्यूशन, ठीक है, सेकेंड में दे रखा यूनिक सोल्यूशन, और थर्ड में दे रखा एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें इन्वेस्टिगेट फोर वाट वैल्यू, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड निकालनी, लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकालनी। कब कब निकालनी, जब ये इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं रखती हूँ, और ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन रखती हूँ, और ये इक्वेशन थर्ड में क्या दे रखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो आसान ही है वैसे ये भी। तीनों पार्टों में हमें इन्वेस्टिगेट फोर वाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू की ये वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इनकी, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू ज़रा देखना, वन वन वन, वन टू टू, वन थ्री लैम्डा, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लेंगे, ठीक है भाई, वाई एक्स जेड होता तो वाई जेड जैसे पहले में ऐसे भी ले सकते हैं, जेड को कभी पहले भी ले सकते हैं, तो वहाँ फिर जेड को पहले ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पर चलिए तो ऐसे ही सीधा वन वन बन रहा, सीधा सीधा लेंगे इसको तो, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिए, सिक्स टेन म्यू, तो चलिए आर टू में ऑपरेशन लगा दीजिए, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री में ऑपरेशन लगा दीजिए, आर थ्री माइनस आर वन, इचलन फॉर्म में लाइए पहले इसको, ठीक है। तो कितना वन, नहीं अभी तो क्या निकालना था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो निकाला नहीं है, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालिए, ठीक है, बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल दीजिए, कितना आ जाएगा ये, ए बी इक्वल टू, चलिए देखिए क्या आ जाएगा, वन वन वन, वन टू टू, वन थ्री लैम्डा, ठीक है, और लास्ट में बता दीजिए सिक्स टेन म्यू। चलिए अब इसे किस में लाएंगे, इचलन फॉर्म में लाएंगे, तो फाइंड द रैंक ऑफ, फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बाई इचलन फॉर्म, बाई इचलन फॉर्म, तो इचलन फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड कर दीजिए। तो देखना किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, वन वन वन, और यहाँ कितना सिक्स, घटाना ज़रा, ज़ीरो, वन थ्री माइनस वन टू, टेन माइनस सिक्स फोर, टेन माइनस सिक्स फोर आ जाएगा, घटाना ज़रा, ज़ीरो कितना वन, बोलो लैम्डा माइनस वन, लास्ट में बताना, ठीक है, कितना जाएगा म्यू माइनस सिक्स, क्या इचलन फॉर्म में आ गया ये, ठीक है, अभी तो नहीं आया, यहाँ जीरो बनाइए, तो एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा, किस में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आर थ्री में, आर थ्री में लगा दीजिए, आर थ्री माइनस क्या कर लीजिए, आर टू कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नीचे जगह तो कम है, पर चलो आ जाएगा शायद, दिख जाएगा, दिख जाएगा, कितना वन वन वन, और कितना सिक्स, इसको सिलेंड दीजिए, जीरो वन
टू, फोर घटाना ज़ीरो ज़ीरो, ये हो जाएगा घट के लैम्डा माइनस थ्री, इसको घटाना म्यू माइनस टेन। अब ये डिपेंड किस किस पे करेगा, ठीक है, लैम्डा पे और म्यू पे डिपेंड करेगी, इसकी रैंक जो डिपेंड करेगी। तो अब इसके केसेस बनेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए इसको, ठीक है। क्या क्या केस हो सकते हैं इसमें, इफ़ तो जो इसकी रैंक है किस पर डिपेंड करेगी, लैम्डा पे और म्यू पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यदि ये हो गया इसमें, चलो नो सॉल्यूशन का लिखते हैं पहले। नो सॉल्यूशन के लिए इफ़ लैम्डा इक्वल टू हुआ थ्री और म्यू नॉट इक्वल टू टेन, भाई यदि लैम्डा इक्वल टू थ्री हुआ तो यहाँ क्या जाएगा, जीरो, और ये नॉट इक्वल टू टेन तो यहाँ थोड़ा नहीं जीरो आएगा, तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं आने के। जब रैंक ऑफ ए बी और ठीक है रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होंगे तो कैसा हैव नो सोल्यूशन, देन द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहा कि नो सोल्यूशन की हमें, ठीक है, केस इन्वेस्टिगेट करनी। तो यदि ये हो गया लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया थ्री और म्यू नॉट इक्वल टू टेन हो गया, तो ध्यान से देख के बताइए क्या आएगा, ठीक है। देन रैंक ऑफ ए बी कितनी आएगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी वो किसके बराबर नहीं है टेन के, तो यहाँ तो जीरो नहीं आने का, तो तीन रैंक आएगी। रैंक ऑफ ए बी कितनी आएगी, तीन। रैंक ऑफ ए बताइए, रैंक ऑफ ए बराबर यहाँ तीन रख दिया, तीन माइनस तीन जीरो, तो ये जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो एक ही रैंक भाई जीरो हो गया, तो एक ही रैंक कितनी आएगी, दो आएगी। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, दो। तो हेयर यहाँ पर हेयर रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है किसके, रैंक ऑफ ए के, ठीक है। हैंस द गिवन इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं रखती है, ठीक है। सेकंड केस देखिए, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं रखती है। सेकंड में क्या, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन देखिए कब आएगा इनका, यूनिक सोल्यूशन जब आएगा, जब लैम्डा, इफ लैम्डा बराबर नहीं है तीन के, म्यू उसके दस के बराबर हो या ना हो, वह जब ये तीन के बराबर नहीं है तो यहाँ तो जीरो नहीं आएगा, जब यहाँ जीरो नहीं आएगा वहाँ जीरो आ जाओ या ना आओ, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी कितनी आएगी, भाई जब यहाँ जीरो नहीं आनेगा तो नॉन जीरो रो तो रहेगी नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी आएगी कितनी, भाई तीनों नॉन जीरो रो रहेंगी तो रैंक ऑफ ए बी आएगी तीन, ये किसके बराबर नहीं है, तीन के बराबर नहीं है, तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, रैंक ऑफ ए बी आएगी कितनी, तीन आएगी, और नंबर ऑफ अननोन कितने, तीन है, तो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस एक यही लिख सकते हैं, लैम्डा किसके बराबर नहीं है तीन के, ठीक है। देन रैंक ऑफ ए बी बोलिए, भाई ये थोड़ी जीरो आ जाओगा तो कितनी रैंक आओगी इसकी, तीन आएगी। रैंक ऑफ ए भी कितनी आएगी, तीन आएगी। नंबर ऑफ अननोन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने आएंगे, तीन आएंगे। तो ज़रा देखना, हेयर रैंक ऑफ ए बी बराबर किसके, रैंक ऑफ ए के बराबर किसके, नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस कंडीशन में हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, हैंस द गिवन इक्वेशंस हैव
क्या सॉल्यूशन रखेंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक कंडीशन और देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना करिए, मैं इसे कर देता हूँ, उधर मिटा के कर देता हूँ इसको। चलिए अब इसकी ना थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड में क्या कहा था, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन देखो कब आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब आते हैं पहले दोनों बराबर हों, लास्ट का बराबर ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन बराबर ना हो। तो भाई ये मैंने 3 रख दिया, ये 10 रख दिया, तो रैंक ऑफ ए भी कितनी आएगी, 3 रख दिया 10 रख दिया ये, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए भी कितनी आएगी, 2। रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, 2, ये 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ अननोन कितने आएंगे, 3 है वो तो, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्यूशन बैठेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बैठेंगे। तो चलिए देखिए, इफ लैम्डा बराबर किसके हुआ, 3 के हुआ, म्यू बराबर किसके हुआ, 10 के हुआ, देन रैंक ऑफ ए बी बराबर कितना आएगा, 2। रैंक ऑफ ए कितना आएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 दिख जाएगा लास्ट में। नंबर ऑफ अननोन कितना आएगा, नंबर ऑफ अननोन्स कितना आएगा, 3। तो हेयर बताना क्या आ गया, हेयर रैंक ऑफ ए बी बराबर किसके आया, रैंक ऑफ ए के आया और बराबर किसके नहीं आया, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये बराबर नहीं आया। हैंस द गिवन इक्वेशन हैव कैसा सोलूशन, इनफाइनाइट सोलूशन, ठीक है। हैंस द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोलूशन, ठीक है। तो ये इसके 3 केसेस हो गए, ठीक है। तो और बाकी सब एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, सभी एग्जांपल कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, का 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पर आएगा, और जिनकी फ़ीस जमा होगी केवल वो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर नंबर बता देता हूँ, फ़ीस जमा कराने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर पूरा हुआ, जो बाकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, से आगे का भी एग्जांपल अच्छा है वो भी कर लेना, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए वो हो जाएंगे बाकी, ठीक है। जो कठिन 17 ही कठिन था वो मैंने करा दिया। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर ठीक है, एप्लीकेशन पर, ठीक है, करते हैं। तो 6 स्टार्ट, ठीक है, चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टर्न पर करते हैं।